In this video, I will tell you about how you can create and manage the text style. Text style को manage करने के लिए और create करने के लिए आपको annotate के tab पे जाना है और यहाँ पे under the text panel आपको यहाँ पे text styles मिलेंगे और by default आपके पास दो text style होते हैं. First one is the annotative and second one is the standard. By default हम जो भी AutoCAD के इस software में type करते हैं वो हमें स्टैंडर्ड स्टाइल के मुताबिक लिखा हो जाता है. मैं यहाँ पे मैनेज टेक्स्ट स्टाइल पे क्लिक करूंगा तो मेरे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा. यहाँ पे मेरे पास अगेन सेम जो इस पैनल में दो टेक्स्ट स्टाइल आ रहे थे वही यहाँ पे शो हो रहे हैं और उसके साथ साथ उन दोनों टेक्स्ट स्टाइल की जो सेटिंग है वो मुझे इस जगह पे शो हो रही है और यहाँ पे मुझे उनका प्रीव्यू मिल रहा है टेक्स्ट स्टाइल का. तो मैं यहाँ पे एक न्यू टेक्स्ट स्टाइल बनाऊंगा जो कि इस स्टैंडर्ड की कॉपी के ऊपर बेस्ड करेगा. एनोटेटिव जो होता है इसको हम अपनी फ्यूचर वीडियो के अंदर कवर करेंगे. तो मैं यहाँ पे न्यू पे क्लिक करूंगा और मैं इस टेक्स्ट स्टाइल का नेम लिखता हूँ माई डैश टेक्स्ट स्टाइल. तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल का एक नेम बनाता हूँ माई टेक्स्ट स्टाइल और इसको मैं ओके कर दूंगा तो यहाँ पे मेरे पास एक टेक्स्ट स्टाइल क्रिएट हो गया. अब यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं जो मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ. वन बाय वन हम उनको देख लेते हैं. सबसे पहले है फॉन्ट नेम. तो अब यहाँ पे मल्टीपल फॉन्ट जो है वो अवेलेबल है और मैं यहाँ से आप जौन सा भी फॉन्ट लेना चाहेंगे वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं. तो मैं यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन का जो फॉन्ट है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ. तो ये मेरा फॉन्ट का स्टाइल जो है वो आ गया. अब फॉन्ट स्टाइल मुझे बोल्ड चाहिए, इटैलिक चाहिए, बोल्ड इटैलिक चाहिए, रेगुलर चाहिए. तो मैं इसको फिलहाल रेगुलर ही रहने दूंगा क्योंकि हमने हर टेक्स्ट को बोल्ड जो है वो नहीं करना होता. तो यहाँ पे जब मैं फॉन्ट स्टाइल सिलेक्ट कर लूंगा तो हम अब यहाँ पे साइज का जो ग्रुप नजर आ रहा है इस पे आ जाते हैं. साइज के ग्रुप में आपको यहाँ पे दो चीजें मिल रही है. फर्स्ट वन इज द एनोटेटिव प्रॉपर्टी एंड सेकेंड वन इज द हाइट. एनोटेटिव प्रॉपर्टी को जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया मैं आगे चल के फ्यूचर वीडियोज के अंदर इसको कवर करूंगा. और टेक्स्ट की हाइट जीरो मीन जो बाय डिफॉल्ट हाइट होगी टेक्स्ट की वही लिखी जाएगी. इसको हम यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वैल्यू रहने देते हैं. मोर ओवर अगर आप इफेक्ट्स पे आते हैं तो यहाँ पे आप डिफरेंट इफेक्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं. अपसाइड डाउन लाइक ये देखिए आपको स्क्रीन पे उसका प्रीव्यू जो है वो नजर आ रहा है. तो खैर मुझे ये दोनों नहीं चाहिए, मैं इसको अनचेक करूंगा. थर्ड नंबर पे मेरे पास वर्टिकल की ऑप्शन अवेलेबल है और वर्टिकल का टेक्स्ट इफेक्ट जो है वो हर फॉन्ट साइज के साथ अवेलेबल नहीं होता. तो अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो लेट से मैं यहाँ पे सिंप्लेक्स डॉट एस एच का फॉन्ट यूज करता हूँ. तो यहाँ पे देखिए मेरे पास ये वर्टिकल का इफेक्ट जो है ये भी अवेलेबल है. जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मुझे टेक्स्ट इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा. तो है मैं यहाँ पे वापिस अपना फॉन्ट स्टाइल जो है वो टाइम्स न्यू रोमन सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद यहाँ पे मेरे पास विड्थ फैक्टर है. जो स्पेस है बिटवीन द वर्ड्स वो आप इसके थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं. लाइक अगर मैं यहाँ पे लेट्स से 0.75 लिखता हूँ तो यहाँ पे आप देखें स्क्रीन पे उसका साथ ही वो प्रीव्यू मिल रहा है. सो लेट्स चेंज इट टू 1.2. नेक्स्ट मेरे पास ओब्लीक एंगल है. अगर मुझे इसको इटैलिक करना है लेट्स से 45 तो ये देखिए आपको ये इटैलिक जो है टेक्स्ट नजर आएगा. लेकिन मुझे टेक्स्ट को इटैलिक नहीं करना फिलहाल इस टेक्स्ट स्टाइल के टेम्पलेट में. तो मैं यहाँ पे ओब्लीक एंगल अगेन 0 सेट कर देता हूँ और अब मैं इसको यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ. अप्लाई का मतलब कि ये सब चेंजेस जो है मेरी इस टेक्स्ट स्टाइल के साथ अब अप्लाई हो चुकी हैं और अभी मेरा टेक्स्ट स्टाइल जो है वो करंट टेक्स्ट स्टाइल जो है वो माई टेक्स्ट स्टाइल है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है. अगर इनकेस आपके पास यहाँ पे डिफरेंट टेक्स्ट स्टाइल लिखा है तो आप इसको सिंपल सेट करंट कर दें और इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ. यहाँ पे देखिए माई टेक्स्ट स्टाइल का स्टाइल जो है यहाँ पे आ गया. अब मैं यहाँ पे डी टी जो शॉर्टकट टी है टेक्स्ट कमांड की सिंगल लाइन टेक्स्ट वो लिख के एंटर प्रेस करूंगा और यहाँ पे मेरा जो अब टेक्स्ट स्टाइल है वो लिखा आ रहा है माई टेक्स्ट स्टाइल का जो मेरा करंट टेक्स्ट स्टाइल का उसी के मुताबिक यहाँ पे मेरा टेक्स्ट लिखा जाएगा. तो मैं यहाँ पे अपना फर्स्ट पॉइंट बताता हूँ और लेट्स से कि मैं यहाँ पे टेक्स्ट की हाइट 0.5 बता देता हूँ. एंगल ऑफ रोटेशन मुझे नहीं चाहिए इसको 0 कर देते हैं और ये मेरा टेक्स्ट स्टाइल आ गया. अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ और ये देखें मैं यहाँ पे एक नेम लिखता हूँ और ये देखें यहाँ पे जो टेक्स्ट स्टाइल था मेरा उसी के मुताबिक यहाँ पे टेक्स्ट लिखा गया. टू टाइम एंटर प्रेस करूँगा मैं कमांड से बाहर आ जाऊँगा.
और अगर मैं यहाँ पे अगेन स्टैंडर्ड टेक्स्ट स्टाइल पे आऊँ और अगेन मैं यहाँ पे डीडी के साथ टेक्स्ट सेलेक्ट करता हूँ और मैं अगेन पैरामीटर्स जो हैं वो स्पेसिफाई करता हूँ अपने फॉर सिंगल लाइन टेक्स्ट। और ये देखें तो ये टेक्स्ट स्टाइल मेरा स्टैंडर्ड स्टाइल को फॉलो कर रहा है, और जो मेरा सेकंड टेक्स्ट है ये माई टेक्स्ट स्टाइल की टेम्पलेट को फॉलो करेगा। इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट क्रिएट भी कर सकते हैं, इवन दो जो आपके बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट स्टाइल है आप उनको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। और सिंपल आपने इसी मैनेज टेक्स्ट स्टाइल पे जाना है और आप उसी टेक्स्ट स्टाइल को यहाँ से मॉडिफाई भी इजिली कर सकते हैं। फॉर ओवर अगर मुझे इस टेक्स्ट स्टाइल को चेंज करना है जो कि अभी माई टेक्स्ट स्टाइल को फॉलो कर रहा है उसकी प्रॉपर्टीज को, तो मैं यहाँ पे सिंपल स्टैंडर्ड पे क्लिक करूंगा तो ये टेक्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट स्टाइल को क्रिएट कर सकते हैं और उसके साथ साथ उसको मैनेज भी कर सकते हैं। इट वॉज ऑल अबाउट क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग द टेक्स्ट स्टाइल ऑफ एन ऑटोकैड।